गुड इवनिंग। लास्ट 4 लेक्चर्स जो हमारे थे, 4 लेक्चर्स जो हमारे हैं, वो हम ट्रांजिस्टर का बेसिक से स्टार्ट किए। ट्रांजिस्टर की बेसिक से स्टार्ट किया, इसके कंफिगरेशंस पर गए, फिर इसके बायसिंग पर आए। एक्चुअली हम क्विक रिवीजन कर रहे, तो वी आर गोइंग फास्ट, आई एम नॉट मेकिंग वन बाय वन। तो बट हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन और बायसिंग को अच्छे से डिस्कस किया, सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। आवर एम इज, आवर गोल इज क्वेश्चंस, ओके, ट्रिक्स हाउ कैन आई सॉल्व द क्वेश्चन। बट टुडे सेशन, जो आज का सेशन हम बना रहे हैं, दैट इज द टोटली टोटली 5 सेकेंड सॉल्विंग क्वेश्चन, सॉल्विंग बायसिंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा रिवीजन किया, इतने ज्यादा पैटर्न्स देखे बायसिंग सर्किट्स के, कि हम लोग को ये अब 5 सेकेंड्स टाइम में करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी दिस वन। सो सी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सी कंफ्यूजन, आई हैव ऑलरेडी गिवन अ सी कंफ्यूजन, और उस सी कंफ्यूजन में ये जो हमारे सर्किट है, सी कंफ्यूजन में बीटा की वैल्यू दी हुई है। चलो ठीक है, ओके, बीटा की वैल्यू दी हुई है, और ये बीटा की वैल्यू जो है, ये बीटा की वैल्यू जो है 75, बीई मुझे पता है थ्रेशोल्ड है, और ये वोल्ट्स में है। आईई और आरई निकालना, अभी आप कंफ्यूगेशन देख सकते हो, और ये कंफ्यूगेशन हमें डायरेक्टली बोल रहा है किस टाइप का है, आरई, आरई फीडबैक किस्म का है। ओके, दिस इज आरई फीडबैक। तो अब हमारे पास इतने सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो आई कैन सॉल्व इट बाय दैट, राइट। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आईई निकलेगा। हाँ, आईई से हम निकाल सकते हैं क्या, हमें निकालना है आरई और आईई, ठीक है, आरई और आईई निकालना। सो फॉर दैट रीजन हम लोग एक लूप लगा देते हैं, लूप लगा देते हैं, एक ये वाली लूप लगाते हैं, ठीक है, ये वाली लूप लगाते हैं। सो इनपुट रीजन क्या देगा, आई ई इज इक्वल टू 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 10 के, 10 के, ठीक है। सो फॉर दिस रीजन हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें हमें मिल जाएगा ये आई बी, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 12.3 एम्पियर। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एक फीडबैक किस्म का कंसंट्रेशन था, और याद करिए हमारे पास जो फीडबैक, फीडबैक मतलब क्या कि आईई कंट्रीब्यूशन, राइट। इसका मतलब क्या है कि हम आरई के द्वारा बायसिंग करवा रहे, कॉमन एमिटर के द्वारा हम स्टेबलाइज करवा रहे, कॉमन एमिटर बोल रहे, आरई के द्वारा हम स्टेबलाइज करा रहे सर, ठीक है। तो जब हम आरई के द्वारा स्टेबलाइज करा रहे हैं, तो हमें करंट जो मिलेंगे, वोल्टेजेस जो मिलेंगे, वो हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, राइट, वो हम इजीली कर सकते हैं। और देखो, हमेशा याद रखना कि हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे आर ई निकालना, ओके, आर ई निकालना, सो कीप इन माइंड दिस थिंग, और आई ई निकालना है, ऑल्सो कीप इन माइंड दिस थिंग। सो दिस इज माई करंट। नाउ इफ आई वॉन्ट टू कंसिडर, इफ आई वॉन्ट टू कंसिडर हाउ टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ माई
वोल्टेज, जो वेरिंग वोल्टेज है, तो हम जानते हैं कि IC जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 1 इनटू 1.1। अब ये कैसे आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि IE इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB होगा, ये हम जानते हैं इस टाइप के कंप्यूटेशन के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया है, और मेरा ये वैल्यू क्या आ जा रही है, 1.12 मिली एमीटर। जब ये वैल्यू 1.12 मिली एमीटर आ जा रही है, तो हम किस पे पुट करेंगे, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे अपने किस पर, अपने VCE पर। तो VCE बराबर हो जाएगा क्या, VCE बराबर हो जाएगा 12 माइनस 1.13 इंटू 10 माइनस 1.12 RC। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओके वन एंड माइनस आल्सो माइनस 12, सो इट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय कर रहा है RC हमारा 5.98, ओके 5.98। आई जस्ट शो दिस थिंग कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माय एम इज हाउ टू शो यू कि ट्रिकी क्वेश्चन, मतलब सर्किट देख के ही हम कैसे अपने फॉर्मूलेस को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहां बैठ के डिराइव करो, ओके आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहां जाके डिराइव करो। सो ट्राई टू लर्न ओवर द ईयर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक सेम टू सेम सी कंफर्मेशन के ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये भी है, ये भी है, और ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज दिया हुआ है, -2 वोल्ट। ठीक है, अब ये देखो NPN है कि PNP है, जैसे PNP कंसेप्ट, तो जब ये PNP हो गया, और यहाँ पर देखो बेस पर भी है, RE भी है और RC भी है, तीनों हमारे पास है, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो सबसे पहली बात RB निकालनी है। जब RB निकालनी है, और हम अभी इस फॉर्मूले को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। हम जानते हैं कि VCC इज इक्वल माइनस, ये माइनस हो जाएगा IBRB माइनस VBE। VBE हम जानते हैं ये वाला वोल्टेज हमारा VBE होगा। नेक्स्ट बीटा प्लस वन, ठीक है बीटा प्लस वन ये किसके IB के बराबर होगा, और इंटू कर दो RE से, और ये हो जाएगा किसके, 0 के बराबर। ये हमने कहाँ पे लगाया, ये हमने इधर लगाया, ओके ये हमने इस साइड लगाया, सो दैट इनपुट साइड, सो दैट आई गॉट दिस। अब इसमें जब हम पुट करेंगे और IB को कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से IB इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, ये तुम्हारा यहाँ से PPE माइनस डिवाइडेड बाई RB प्लस बीटा प्लस वन, ओके ये हमारा RB। अब ये जब हमारा RB आया या IB आया, तो हम कैसे इस फॉर्मूले को हम अपने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करें। ठीक है, साइन चेंजिंग, सो अब देखो कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज है उसको जब पुट करेंगे, 8 इज इक्वल टू 10 इंटू 75 प्लस 1 IB प्लस 0.7 प्लस 10 IB इज इक्वल माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हम IB निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा 9.3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 760। IB है तो हमें पता है ये माइक्रोमीटर के रेंज में ही आएगा, सो इट बिकम्स
it becomes 12.08 microampere. Okay, next. सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट क्या डील कर रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि हम आईसी क्या निकालेंगे. आईसी सीधा सीधा है, बीटा आईपी हो जाए तो इज इक्वल टू 0.906. दूसरा आईई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 1 आईबी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.9. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट हम इस ऊपर वाले फॉर्मूले में अपने इन सारी चीजों को एमिटर कलेक्टर जंक्शन में लगा, तो एमिटर कलेक्टर जंक्शन हमारा क्या था, राइट हैंड साइड, दैट इज आउटपुट जंक्शन. तो मैं क्या लिखूंगी, दैट अप्लाई KVL टू आउटपुट. ठीक है, आउटपुट लूप में लगाए तो देखो क्या हो जाएगा, एक तरफ तो तुम्हारा ये 8 बचेगा और ये आ जाएगा 10 × 0.918 प्लस एमिटर कलेक्टर वोल्टेज प्लस 3 × 0.906 माइनस. ओके, ठीक है, तो इससे हम जब सॉल्व करेंगे तो VEC जो है वो हमारा 4.9. हमेशा मैं तो पेज आई हैव टू चेंज द पेजेस, बट यू शुड कीप इन फ्रंट योर सर्किट डायग्राम. अनलेस आप इस सर्किट डायग्राम को अपने पास नहीं रखेंगे और इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चलो अब हम दूसरे सिचुएशन है, अब हमें आईक्यू दिया हुआ है. आईक्यू मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन पॉइंट या क्यू पॉइंट दिया हुआ है. ये सब बस क्वेश्चंस को घुमाने के चक्कर है और कुछ. ओके, दीज ऑल थिंग्स आर जस्ट टू मेक पर्सन कंफ्यूज एंड मेक द स्टूडेंट गो राउंड एंड राउंड. तो देखो यहाँ पे आरसी दिया है, आरबी दिया है, आईबी, हाँ आरबी दिया है एंड आई क्यू दिया, दैट मीन्स के क्वेश्चन पॉइंट दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया हुआ है. और ये कौन सी वैल्यू है, ये तुम्हारी इस साइड है, मतलब आई ई दिया. ओके, नेक्स्ट अब हमें निकालना क्या है, आई सी निकालनी है और आर सी निकालनी है, आई सी निकालनी है और आर सी निकालनी है. ओके, सो हाउ कैन आई फाइंड दिस थिंग. अब देखो इसको फाइंड करने का आसान सा तरीका क्या है, सिंपली फॉर्मूला पे बैठा दो. देखो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 75 प्लस 1, वो बीटा प्लस 1 वाला पार्ट है. आई ई हमें दिया हुआ है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 75/76 × आई ई तुम्हारा दिया हुआ है 1 mA = 0.98. क्या आ जाएगा, मिली. ओके, ना नेक्स्ट आर सी, आर सी हम आउटपुट वाले से निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल लो, 5.2 आई सी आर सी ये हो जाएगा, तो 0.987 ये हो जाएगा तुम्हारा 3.04 kilo. हो गया सर, आई सी आर सी निकल गया. ओके, तो दीज आर द 5 minutes 5 second क्वेश्चन. नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है. ओके, सी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, उसमें बीटा की वैल्यू दी है 75 और बीबीई की वैल्यू दी है 0.7. ये तो निकालना है इस क्वेश्चन में VC.
अच्छा वी सी निकालना है, याद रखिए वी सी ई इज इक्वल टू वी सी माइनस वी सी, तो वो फंडा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बट लेट्स सी कि पहले कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, और ये एन में। ओके ना, ये देखो बायस किया गया है, इसकी बायसिंग देखते हैं। इसकी बायसिंग को ऐसे किया गया है, याद रखना हमारे पास ये कौन सा है, कौन सी बायसिंग है। इट इज नॉट फिक्स बायस, इट इज नॉट फिक्स बायस। ओके सो यहाँ पर एक तुम्हें ट्रांजिशन दिया जो कि आर सी इज इक्वल टू 10 किलो ओम है। आई शुड मेक इट प्रॉपरली राइट, आई शुड मेक इट प्रॉपरली एटलीस्ट। सो लाइक दिस वे आर सी, ये तुम्हारी आर सी है। सो वी सी निकल गया, यहाँ पे आर ई दिया हुआ है 10 किलो ओम, और आर भी दिया हुआ है 20 किलो। ओके आर भी दिया हुआ है 20 किलो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। सी व्हाट आई एम सॉल्विंग, दीज आर रियली गुड क्वेश्चंस। ओके 5 मिनट के क्वेश्चंस हैं, डोंट थिंक दैट दीज आर कंस्ट्रेंट्स, इवन कम सम ऑफ देम आर कम्स इन द नेट एग्जाम्स आल्सो। सो ट्राई टू कन्वर्ट इट। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सीधा लूप लगा दो लेफ्ट हैंड साइड के इनपुट साइड में। ठीक है सो हम क्या लगा दे हैं यहाँ पे, कलेक्टर एमिटर जंक्शन में आ रही भी है आ रही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, इतने सारे केवीएल हम लोगों ने लगा चुके हैं। 1 प्लस बीटा 10 KIV प्लस 20 KIV प्लस 0.7 प्लस बीटा इंटू 2 KIV। ठीक है अब इसको सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो और बाकी सबको प्लस करते जाते हैं, के प्लस 20 के प्लस 150 के प्लस 0.7, सर ये इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है सर 5 इक्वल टू। ओके सो ये क्या बता रहा है कि आईपी जो होगा हमारा वो 4.62 माइक्रो एम्पियर, 4.62 माइक्रो एम्पियर होता है। ओके नेक्स्ट, जब आई वी निकल गई तो हम आई सी निकाल सकते हैं, और आई सी निकालते हैं, आई सी क्या हो जाएगी, आई सी हमारी आ जाएगी क्या बीटा आई वी। तो ये आई वी तो निकाल लिया, बीटा हमें पता है, बीटा हमारा क्या है 75 है, और ये है 4.62 माइक्रो एम्पियर, क्या हो जाएगा ये हमारा 0.347 मिलेगा। ठीक है अब VC, अब तुम्हारा VC निकलेगा। VC कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, VC तुम्हारा निकलेगा इधर देखो, VC इधर साइड के है, तो ये तुम्हारा 5 माइनस बीटा प्लस 1, और इधर हो जाएगी तुम्हारी RB IB RC। ठीक है ये सारे बुलेट पॉइंट है, जस्ट चेंजिंग द पेज। ठीक है सो अब उसमें सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 माइनस 760 इंटू 4.2 माइनस। तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर बीसी, दिस इज योर बीसी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रहा है कि देखो एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को देखते हैं, प्लस माइनस वोल्टेज दी है 1.5। ओके फाइन, इसमें अब ट्रांजिस्टर लगा दो, ट्रांजिस्टर लगा दिया और ये अब ये बोल रहा है VCC दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये दिया है 1 किलो ओम, ठीक है कुछ नहीं दिया है। अब तुम्हें क्या निकालना, देखो कि इस V वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है
हमें क्या मिला है कि हमें बोल रहा है कि ये वैल्यू है, ये वैल्यू कैसा, पहली बात तो किस पे डिपेंड करेगी, नहीं यहाँ पर कुछ है ही नहीं, यहाँ पे देयर इज नथिंग, सी देयर इज नथिंग। तो आई एम सेइंग दैट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी फॉर द गिवन सर्किट, ठीक है, जहाँ पे आई एस जो है 6 × 10⁻¹⁶ ए है, और वी टी जो है 26 × 10⁻³ बी है, बीटा जो है मच मच ग्रेटर देन 1। एक ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। सो दिस इज माई क्वेश्चन, हाउ कैन आई सॉल्व, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी पहले तो हम आई ई निकालेंगे, आई ई क्या होता है, आई ई होता है हमारा आई सी प्लस आई डी, ओके। दूसरा हम जानते हैं आई सी इज इक्वल टू बीटा ई, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि बीटा जो है मच मच ग्रेटर देन 1 है, और आई ई जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये एक साइड पर जंक्शन बना रहा है तो हम एक्सपोनेंशियल करंट ले सकते हैं, ठीक है, और आई सी हम देख रहे हैं कि आई एस मैक्सिमम टू द पावर वी बी ई अपॉन बी टी, ठीक है, तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि वी बी ई अगर हम दोनों साइड लॉन्ग ले लॉन्ग ले लिया, वी टी लॉन्ग ऑफ आई सी अपॉन आई बी हो जाएगा, आई सी अपॉन आई एस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज हमें कुछ कुछ पता है, सो हम बोल सकते हैं कि वी बी ई इज इक्वल टू 26 × 10⁻³ लॉन हो जाएगा आई सी अपॉन आई एस। अब हम कौन से बेस एमिटर साइड में जो रूट तैयार होता होगा उस पर केवीएल लगा, ठीक है, तो अप्लाइंग KVL ऑन बेस एमिटर लूप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 एम्पीयर वोल्टेज, VBE आ जाएगी IE 10⁻³ = 0, ये हो जाएगी 1.5 − 26 × 10⁻³, इधर हो जाएगी लॉन IC अपॉन IS माइनस IC × 10³ = 0। Now I will say that as IE जो है approximately equal to IC के हैं, तो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो क्या चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा 1.5 is equal to 2.6 × 10⁻³ ln IC upon IS plus IC into 10⁻³, okay? Continue the question. On the page. Okay. So, अब इसका आगे क्या होगा, तो IC क्या आ जाएगा मेरा, उसको सॉल्व करके 775 × 10⁻⁶ A, या हम लिख सकते हैं 775 माइक्रो, लिख सकते हैं ना, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, सो द वोल्टेज इज V is equal to IE into 10 to the power 3 is equal to IC into 10 to the power 3 is equal to 775 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power 3, ये हो जाएगा 775 into 10 to the power minus 3, ये हो जाएगा V की वैल्यू जो होगी वो 775 मिली या मिली। इज दिस क्लियर? So, these are the sum of the question. Last question में अंदर टिकी बताया, so that see always आप कोई चीज particularly एक चीज के लिए बनाओ, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है,
For that reason only, I take some of the questions कि जो आपको थोड़ी हेल्प करे, जो आपको थोड़ी हेल्प करे कि आप क्या करना चाह क्या रहे हो यहाँ पे एक्चुअली। नाउ नाउ आई विल मेक यू शो सम ऑफ द डायोड क्वेश्चन ना। पहले तो डायोड का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है? और डायोड से हम लोग देखते हैं कि इसके भी क्विक रिवीजन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आई एम चेंजिंग द पेज मोमेंट। ओके, सो राइट नाउ आई विल जस्ट गिव यू द कंसेप्ट सो दैट हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उस नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे डाइस के ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 मिनट डाइस क्वेश्चंस लगभग आते हैं। जैम इट इज वेरी रिजन नेट वगैरह मिला भी है बट जैम में डाइट के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। सो यू शुड हैव द प्रैक्टिस राइट जैम में डाइट के क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो फॉर दिस रीजन फर्स्ट आई विल मेक यू शो हाउ टू राइट। पहले तो जो डायोड कब वो ऑन पोजिशन में होगा कब वो ऑफ पोजिशन में होगा कैसे उसके करंट्स कंसिडर करते हैं डायरेक्शंस कंसिडर करते हैं प्लीज नो, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आई विल शो द डायोड्स डायोड्स, ठीक है? सो डायोड में एक तो पहले आप डायोड के पॉइंट एक पॉइंट लिखो दैट दैट जो इसमें वीडी उसकी वोल्टेज आईडी इसका करें, ठीक है? इसको मापते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मापते हैं। और ये काम कब करता है जब फॉरवर्ड बायस, ठीक है? ये ओनली फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो अगर हम एक नॉर्मल डायोड बना लें, ठीक है? तो आउटपुट अगर हम लोग वी आर के रेस्पेक्ट में लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव वी आर के रेस्पेक्ट में हम आउटपुट लेंगे यहाँ पे वोल्टेज की बायसिंग करवाएंगे। याद है फॉरवर्ड बायस भी करवाना है हमें और इसका अगर हम ई प्लस माइनस लिख दें तो एक सिंपल सा हो जाएगा। तो डायरेक्शन क्या है यहाँ इसके लिए डायरेक्शन है तो केवीएल जब लगाएंगे अप्लाइंग केवीएल सब जगह केवीएल लगा दो। केवीएल बहुत ही अच्छी चीज है। ई इज इक्वल टू वी डी प्लस वी आर। तो ई क्या हो जाएगा ई हो जाएगा हमारा वी डी प्लस आई डी आई आर हो जाएगा आई डी आई आर हो जाएगा। दस मिनट मेरी हो जाएगा ये डायोड का जो पोटेंशियल डेवलप होगा इतना जो डायोड का पोटेंशियल डेवलप हुआ वो वीडी है इतना पोटेंशियल जो डेवलप हुआ वो वी आर है। वीडी तो ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा आई आर जो डायोड से करंट जाएगी वही करंट इसमें से जाएगी तो आई डी इंटू आर अगर मैंने आर इसको दिया तो ये क्या हो जाएगा। और आई डी हम जानते हैं क्या होता है आई एच जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इंटू ई टू द पावर के डायोड इंटू टी माइनस, ठीक है? ये एक्सपोनेंशियली होता है दैट ऑल्सो वी नो। तो दिस इज आई एम सेइंग द वेरी बेसिक थिंग वेरी बेसिक थिंग। अब एक और चीज है कि इस वीडी ये जो आपका वीडी है ये वीडी कितना होता है ये थ्रेशोल्ड है ठीक है कि इसको ऑन पोजीशन में ले जाने के लिए सिलिकॉन के लिए 0.3 होगा और जर्मेनियम सॉरी और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 ठीक है। और इधर आईडी तो हम जानते ही हैं आईडी इज इक्वल टू आईआर हो जाएगा वो उसमें जाएगा वो उसमें भी जाएगा तो ये हो जाएगा वी आर अपॉन आर, ठीक है? अब इसमें वेरी बेसिक सा इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपको इनिशियल पॉइंट पर मिलता है। ठीक है सो एक क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज कि एक डायोड है सोचो यहाँ पे उसका 0.3 किलो
यहाँ पे बायसिंग लगाई है, इसको फॉरवर्ड बायस लगाई है, बायसिंग है 8 वोल्ट, ये बायसिंग है 8 वोल्ट की। मैंने बोला ये सिलिकॉन में बनता है प्लस प्लस, तो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होगा वीडी। जब हमने बोल दिया दिस इज सिलिकॉन, जब हमने बोल दिया दिस इज सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए वीटी क्या आ जाएगा, 0.7। ठीक है, तो हमें वीआर निकालना है। अगर वीआर निकालना है ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस 0.7, ये हो जाएगा 7.3 वोल्ट। और आईडी हम जानते हैं कि आईआर होता है जो कि वीआर बाई आर होता है, वीआर निकल चुका 7.3 और ये हो गया वीआर है कितना। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3.32 मिली एम्पीयर। अब इस डायोड को अगर रिवर्स कर दें, इफ वी रिवर्स द डायोड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो लोअर डायोड कैसे की डायग्राम के लिए माइनस। अब यहाँ पर ये क्या है, तुम्हारा 2.2 किलो ओम है, ये तो वही का वही रहेगा, इधर तो 8 वोल्ट, नौ वोल्ट, ये प्लस इधर है माइनस, तो ये कौन सा है। यहाँ पे जब सिचुएशन आ जाएगी तो हम कहेंगे ये ओपन सर्किट है, इस सर्किट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सर्किट को हम ऐसे भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आर इज इक्वल टू ई माइनस आई आर टू आर। ठीक है, तो वी आर है क्या, 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि आई आर इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू 0, कंडक्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वी डी जो हो जाएगा तुम्हारा, ये टोटल वीडी जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वी आर इज इक्वल टू ओके। सो आई एम नाउ स्टॉपिंग दिस वन, सो दैट हम लोग नेक्स्ट सीरीज में से बार सिर्फ डायोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ट्राई टू लाइक एंड शेयर इफ यू गॉट समथिंग रॉन्ग। It is Trisha from the Thank you.